सो हे गाइस, आप सबका यहाँ पर फिर से बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप भी इस साल एक नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो में आज आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी गाड़ी का फेसलिफ्ट आने वाला है और कौन कौन सी नई गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। तो अगर आप भी इनमें से कोई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसका फेसलिफ्ट आ रहा है तो आप इसके लिए भी वेट कर सकते हैं, इसके न्यू डिजाइन, इसके न्यू फीचर्स के लिए, ताकि आपको आपके पैसे के बदले बेस्ट डील मिल सके। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे इंडिया की मोस्ट सेलिंग ब्रांड के बारे में, तो वह है मारुति। वैसे तो इस कंपनी की काफी गाड़ियों का फेसलिफ्ट आने वाला है, बट इसका बहुत ही जल्द एक माइनर फेसलिफ्ट आने वाला है इसकी वैगनर का, जिस पर आपको ज्यादा नहीं बट माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे इसके हेडलैम्प को लेकर, इसके टेल लैम्प को लेकर और इसके टायर्स को लेकर। हालांकि आपको इसके इंटीरियर डिजाइन में एंड फीचर्स में कोई भी न्यू चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एंड इस गाड़ी में आपको इंजन भी जो है वो सिमिलर ही ऑफर किया जाएगा, जिसमें आपको पेट्रोल में मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ऑफर किए जाएंगे, बट सीएनजी में सिर्फ आपको मैनुअल ही इस बार ऑफर किया जाएगा। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको प्राइसिंग में भी ज्यादा हाइक नहीं देखने को मिलेगी, सिर्फ 15,000 से 20,000 रुपए ही एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलेगा इसके प्राइसिंग में। एंड अगर लॉन्च की बात करें तो ये गाड़ी मिड 2024 से पहले इंडियन मार्केट में आ जानी चाहिए। सो अगर आप में से कोई वैगनर लेने के बारे में सोच रहा है तो एक दो महीने तो वेट कर ही सकते हैं, ताकि आपको न्यू चेंजेस एंड न्यू डिजाइन देखने को मिल सके। अब अगर हम यहाँ पे मारुति की बात कर ही रहे हैं तो फिर टोयोटा के बारे में भी बात करनी बनती है, क्योंकि दोनों कंपनियां कहीं ना कहीं मिलजुल कर ही काम करती है। टोयोटा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको चेंजेस किस गाड़ी में देखने को मिले तो वो है फॉर्च्यूनर। हालांकि ये बताया जा रहा था कि हमें इसमें ऑल न्यू डिजाइन देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस इस गाड़ी में हमें दिए जाएंगे, जैसा कि इनोवा के साथ हुआ, जैसे कि इनोवा हाईक्रॉस में हमें ऑल न्यू डिजाइन के साथ ये गाड़ी देखने को मिली, बट ऐसा नहीं होगा। इस गाड़ी में आपको बहुत ही माइनर चेंजेस देखने को मिलेंगे और डिजाइन लगभग आपको सेम मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब किसी गाड़ी की इतनी ज्यादा सेल्स आपको ऑलरेडी मिल रही हो तो कंपनी क्यों ही चेंज करेगी और क्यों ही एफर्ट करेगी और क्यों ही R&D पे पैसा खर्च करेगी। तो यहाँ पे अगर चेंजेस की बात की जाए तो यहाँ आपको मिल सकती है ऑल न्यू इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जिसमें आपको ऑटो एंड्रॉइड एंड एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ इसमें जैसे कि हम जानते हैं कि JBL के जो स्पीकर्स है वो डिसकंटिन्यू कर दिए गए थे, तो उसकी भी उम्मीद है कि वो फिर से कंटिन्यू इस गाड़ी में किए जाएंगे। एंड अगर इसकी पावर्स की बात करें तो आपको सिमिलर इंजन देखने को मिलेगा, बट पावर्स इस बार ज्यादा देखने को मिल सकती है। पहले हमें इस गाड़ी में 500 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क देखने को मिलता था, तो वो इस बार हमें 550 या 570 न्यूटन मीटर्स तक मिल सकता है। एंड उसके बाद अगर बात की जाए तो इसके पेट्रोल इंजन में आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की जाएगी, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी एंड पावर बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस की बात करें तो 1-2 लाख रुपए आपको ज्यादा इस गाड़ी का प्राइस देखने को मिल सकता है, बट जो फॉर्च्यूनर लेते हैं वो पैसे की परवाह नहीं करते। और इसके लॉन्च की बात करें तो इसका भी लॉन्च यही माना जा रहा है कि ये मिड ऑफ 2024 से पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। अब बारी आती है हुंडई की। दोस्तों हुंडई की बहुत सी गाड़ियों का फेसलिफ्ट और नई गाड़ियां इस साल लॉन्च होने वाली है। क्रेटा का जो फेसलिफ्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है, उसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाई है, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें चैनल पर जाकर उसके रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। अब अगर क्रेटा का फेसलिफ्ट आया है तो अल्काज़ार का फेसलिफ्ट भी आने वाला है, क्योंकि दोनों ही गाड़ियां जो है वो सेम प्लेटफॉर्म को शेयर करती हैं और आपको सिमिलर डिजाइन भी देखने को मिलता है। जस्ट दो तीन फीचर्स जो है वो कंपनी इस गाड़ी में हमें एक्स्ट्रा ऑफर करती है क्रेटा के कंपैरिजन में। तो अगर चेंजेस की बात की जाएगी इस गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको फ्रंट कनेक्टेड हेडलैम्प जो है वो सेम क्रेटा की तरह देखने को मिलेंगे, एंड आपको टेल लैम्प भी क्रेटा की तरह कनेक्टेड देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो इंटीरियर कलर्स में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके साथ साथ आपको सीट्स में लेदर मटेरियल एंड वेंटिलेशन देखने को मिल जाएगी। हालांकि इसके इंजन को पहले छोटा कर दिया गया था, पहले आपको इसमें 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता था, फिर उसके बाद इसमें 1.5 लीटर का टर्बो इंजन दिया गया, जिससे इस गाड़ी की फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ गई। और अगर इसके लॉन्च की बात की जाए तो ये गाड़ी जुलाई 2024 के अराउंड जो है वो लॉन्च हो जाएगी। एंड यहां पर इस गाड़ी के प्राइस में आपको 40,000 से 50,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं इसके न्यू फेसलिफ्ट के लिए। एंड इसी के साथ साथ हुंडई की एक और गाड़ी हुंडई टक्सन का भी न्यू फेसलिफ्ट आने वाला है, और इस गाड़ी में भी आपको बहुत ही माइनर से चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको न्यू हेडलैम्प्स एंड टेल लैम्प्स मिल जाएंगे, इसमें न्यू कलर ऑप्शंस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑल न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा। इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग एंड वेंटिलेशन सीट्स की ऑप्शन भी आ सकती है, बट वो कंफर्म नहीं है, वो इसके फेसलिफ्ट के बाद ही कंफर्म होगा कि हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों अगर हुंडई की बात हो ही रही है तो यहाँ पर किया की बात करनी भी बनती है। इस साल किया 2 न्यू गाड़ियां लॉन्च करने वाला है, और दोनों ही गाड़ियां वो SUV सेगमेंट की रहेंगी। इसी के साथ साथ जहां पर हमें इसका किया सोनेट का फेसलिफ्ट मिल चुका है, उसी के साथ साथ इसकी किया कैरेंस का भी फेसलिफ्ट बहुत जल्द आने वाला है। ये गाड़ी हमें 16 लाख से 28 लाख रुपए के बीच में देखने को मिलती थी, और इस गाड़ी को काफी हद तक अपग्रेड्स की जरूरत भी थी। तो इस गाड़ी में बताया जा रहा है कि आपको 360 पार्किंग कैमरा मिल सकता है, डैशबोर्ड कैमरा देखने को मिल सकता है, एंड इसी के साथ साथ न्यू कलर ऑप्शंस भी यहां पर देखने को मिल सकती हैं। एंड इस गाड़ी में अडास सेफ्टी सिस्टम को भी अपग्रेड किया जाएगा।
जाएगा। और इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये हाइक देखने को मिल सकती है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। बेस वेरिएंट में आपको 15-20 हज़ार से ज्यादा का जो इंक्रीमेंट है वो नहीं देखने को मिलेगा। अब गाड़ी आती है उन कंपनीज की जो इंडिया का प्राउड है, महिंद्रा एंड टाटा। महिंद्रा की एक बहुत ही जबरदस्त गाड़ी इंडिया में लॉन्च होने वाली है तो वो है महिंद्रा XUV300। ये गाड़ी ऑल न्यू डिजाइन एंड ऑल न्यू नेम के साथ इंडिया में फिर से लॉन्च होने वाली है। महिंद्रा XUV300 के नाम से ये गाड़ी लॉन्च होगी एंड इसका टीजर जो है वो आ चुका है, ये आप महिंद्रा के ऑफिशियल चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं। और इसे काफी समय से टेस्टिंग के दौरान देखा भी जा रहा था, इसमें आपको ऑल न्यू इसके हेडलैम्प एंड टेल लैम्प देखने को मिलेगी। सभी कंपनीज जो है वो इस सेगमेंट में कनेक्टिंग टेल लैम्प ऑफर कर रही थी तो सिमिलर इस गाड़ी में भी आपको कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिलेगा एंड ऑल न्यू हेडलैम्प सेटअप भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको प्रोजेक्टेड DRLs भी देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ साथ ये गाड़ी आपको पैनोरामिक सनरूफ भी ऑफर करेगी। इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं है जो कि पैनोरामिक सनरूफ ऑफर कर रही हो और मेरे अकॉर्डिंग ये गाड़ी इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग कार भी हो सकती है जैसी ये गाड़ी लॉन्च होगी। और इस गाड़ी के लिए आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा, 29 अप्रैल को इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी एंड बहुत ही जल्द आपको इंडियन मार्केट में ये गाड़ी देखने को मिल भी जाएगी। एंड उसी के साथ साथ XUV700 का भी फेसलिफ्ट आने वाला है जिसमें इस गाड़ी की फिट एंड फिनिश पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि लोगों की काफी कंप्लेंट्स थी इसमें इतना प्राइस होने के बाद भी फिट एंड फिनिश पर उतनी ज्यादा प्रीमियमनेस आपको फील नहीं होती थी। तो इसमें आपको ऑल न्यू लाइटिंग सेटअप तो देखने को मिलेगा ही और आपको इसके इंटीरियर में फिट एंड फिनिश पर भी काफी ज्यादा फोकस इस बार कंपनी की तरफ से देखने को मिलने वाला है। और हम बात करें अब अगर दूसरी तरफ टाटा के बारे में तो यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट तो ऑलरेडी आ ही चुका है तो अगर नेक्सॉन का आ चुका है तो अल्ट्रोस का भी फेसलिफ्ट बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि अल्ट्रोस का रेसिंग एडिशन जो है वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है एंड उसी के साथ साथ आपको इसका फेसलिफ्ट भी देखने को मिलेगा जिसमें आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी नेक्सॉन की तरह एंड आपको यहाँ पर ऑल न्यू स्टीयरिंग व्हील एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा। बाकी इसमें सभी वेरिएंट्स वैसे ही आते रहेंगे, इसके पेट्रोल डीजल एंड CNG वेरिएंट्स जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं बट इसके फ्रंट में आपको इसका हेडलैम्प सेटअप काफी ज्यादा अपग्रेडेड देखने को मिलने वाला है जो कि सेम टाटा कर्व एंड टाटा नेक्सॉन के डिजाइन के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। और इसके अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस जो ऑलरेडी चल रहा है उससे आपको 30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देखने को मिल सकता है। इसके बेस वेरिएंट में एंड टॉप एंड वेरिएंट में आपको ये 70 से 80 हज़ार रुपए की हाइक इसके प्राइस में देखने को मिल सकती है। एंड इसी के साथ साथ बात करेंगे हमारी लास्ट गाड़ी के बारे में तो वो है टाटा पंच। टाटा पंच का AV वेरिएंट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है तो उसके बाद अब इसके पेट्रोल वेरिएंट में भी बहुत जल्द फेसलिफ्ट आने वाला है। उसके अगर आने वाले चेंजेस की हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑल न्यू हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा, उसी के साथ साथ आपको न्यू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड न्यू स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा जो कि टाटा नेक्सॉन से ही इंस्पायर्ड रहने वाला है। एंड इसमें यह भी बताया जा रहा था कि इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग एंड वेंटिलेशन सीट्स भी देखने को मिलेगी बट वो कंफर्म नहीं है कि आपको इस वेरिएंट में मिलेगा या नहीं क्योंकि वो EV वेरिएंट में तो मिल रहा है बट इस वेरिएंट में वो कंफर्म नहीं है। और इसके अगर लॉन्च की बात की जाए तो ये गाड़ी अगस्त 2024 के अराउंड जो है लॉन्च होगी इंडिया में। सो दीज वर द कार्स गाइस जो कि बहुत ही जल्द आने वाली है इंडियन मार्केट में। अगर आप भी इनमें से कोई एक गाड़ी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी उस गाड़ी के आने वाले फेसलिफ्ट के बारे में क्या राय है मुझे वो भी जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारी आने वाली ऐसी ही और वीडियोस को देख सकें। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं अब हम हमारी ऐसी ही अगली एक वीडियो में।